उत्तर भारत में पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश की वजह से परेशानी बनी हुई है। पहाड़ों पर जहां बारिश के साथ हुए भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ राजमार्ग 72 घंटे से बंद है, वहीं सड़कों और चारधाम के अलग अलग पड़ावों पर 2800 यात्री फंसे हुए हैं। दूसरी ओर उत्तराखंड में शारदा और राप्ती नदियों में उफनने से शाहजहांपुर के 70 से ज्यादा गाँव और जिले के मेडिकल कॉलेज जलमग्न हो गए। उत्तराखंड के जोशीमठ के पास अवरुद्ध बद्रीनाथ राजमार्ग 3 दिन बाद भी नहीं खुल पाया। इस वजह से दोनों तरफ 2800 से ज्यादा यात्री फंसे हुए हैं। बुधवार को इन यात्रियों ने वाहनों में और अलग अलग पड़ावों पर रात गुजारी। मार्ग बंद होने से दूध, पेट्रोल, गैस सिलेंडर समेत अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं की आपूर्ति भी बाधित हो गई है। मेरा नाम प्रेम सिंह बिष्ट है, पचौरिया लाल कोठी रोड। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपका घर लगभग कटने वाला था, जिस तरीके से पानी की स्थिति थी, लगातार 3 दिन की बारिश के हालात, रोड भी कटने वाले हैं, इस तरीके की स्थिति सामने आ रही है। हाँ साहब, ये भारी बारिश के कारण पूरा ये ओवरफ्लो हो गया था, पूरा रोड से ऊपर पानी आधा घर तक, मेरे पूरा ये दीवार और रोड, खेत सब, मतलब पूरा चला, घर ही जाने वाला था। लेकिन वो तो फिर गांव वाले बीच बचाव के लिए आए, थोड़ा बहुत कैसे भी पानी का कटाव इधर उधर करने पर तब जाके थोड़ा रोकथाम की गई। अभी आप इसकी मरम्मत करा रहे हैं, कितनी दिक्कत होती है जब इस तरीके की स्थिति, बाढ़ लाइक सिचुएशन हर बार बन जाती है, पानी भी मुझे लगता है ये इस बार सबसे ज्यादा बारिश हुई 24 घंटे में और लगातार 3 दिन बारिश हुई, जिसके कारण ये सिचुएशन। ये बारिश तो साहब हमने भी बहुत सालों से बाद देखी हुई है इतना, और आगे जो है नाला नदी होने के बंद है, यहाँ आगे भी ये नहर है छोटी, वो बंद है, हो गई थी, पानी का बहाव